नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम जामिया के गेट नंबर 7 के सामने खड़े हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये शख्स मौजूद है और हम यहाँ कैब और CAA की बात करने आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। सर आपका नाम? मेरा नाम राहुल है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आज 34 डेज हो चुके हैं लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए, कई लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि CAA और कैब और NRC हटा दिया जाए, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आज जो इतने लंबे समय से और निरंतरता के साथ लोग यहाँ डटे हुए हैं, तमाम तरीके की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते भी हुए आज जनता जो यहाँ पे एक मिसाल कायम कर रही है, ये काबिले तारीफ है। और ये संघर्ष के उस मुकाम पे अपने आप को, आंदोलन को पहुँचाया है, जिससे कि आज ये सरकार, आज जो हुकूमत है, आज वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि अब अगर ये चलता रहा तो उनके लिए और ख़तरा बढ़ेगा। तो ये डर पैदा किया है, ये कहीं ना कहीं आम जनता की, छात्रों की जीत है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यही संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा आने वाले दिनों में भी, हर समस्या को लेकर, ना केवल NRC और ना केवल CAA। ये एक तरीके का विभाजनकारी जो सरकार कदम कर रही है, ये असल मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। यहाँ छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, यहाँ छात्र रोजगार मांग रहे हैं, यहाँ महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, यहाँ लोग बोल रहे हैं कि हमें आम जरूरतों की चीज़ें हमारे पहुँच में हो, रोजी रोटी सबको मिल सके। इन मुद्दों को लेकर भी ये संघर्ष अगर इसी तरीके से मुकाम पर रहा और एकजुटता के साथ अगर संघर्ष करें, तो मैं कहूँगा सबसे बड़ी सीख आज इस आंदोलन ने हमको दिखाया है कि एक साथ मिलकर जो लड़ा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं लड़ा जा सकता। जैसा कि आप भी न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब कुछ प्रूव नहीं करेगा कि आप देश के नागरिक हैं या नहीं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हैं, छोटे बड़े सब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, देश में कि फंडामेंटल राइट का अबॉलिशन हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहूँगा कि हमारे देश के नागरिकों के को ही ये साबित करना पड़े कि वो इस देश के नागरिक हैं, इससे बड़ी असम्मान की बात नहीं हो सकती। आज वो लोग हमसे पूछ रहे हैं जो हमारे ही वोट लेके आज सत्ता में हैं और सत्ता का पूरा जो लाभ उठा रहे हैं, आज वो जवाबदेही मांग रहे हैं आम जनता से कि हमको साबित करना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। और हम जो देश के नागरिक हैं, जो मालिक हैं देश के, जो जहाँ पे पैदा हुए, जो रोजी रोटी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, उनसे ये कहाँ का जवाब दे है कि उनसे ये मांगा जाए, उनसे नागरिकता का सबूत मांगा जाए। और वो जो देश के नौकर हैं, जो सरकारी नौकर हैं, वो आज हैं, वो कल नहीं है, वो कौन होते हैं हमसे इस बात का सबूत मांगने वाले कि हमें उनको दिखाना पड़ेगा कि हम नागरिक हैं या नहीं। तो ये सोचने वाली बात है उनकी। सर आपका क्या नाम है? तो सर आप कैब और NRC के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बच्चे काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी डेली पुलिस की फिटैलिटी भी हुई है यहाँ पर, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये टारगेट किया गया है ना, ये बता रहे हैं कि आपको ये दिखाना पड़ेगा जमीन को रिपोर्ट दिखाओ, ये आदमी कहाँ से देगा ये वोटर आईडी कार्ड? तो ये वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की, मतलब ये तो अच्छा है, इसमें क्या है कि आप उसी वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग हम लोग जाके वोट भी आते हैं, आज उसी वोट से आप लोग मतलब सत्ता बनाए, सरकार बनाए, और आज बोल रहे हैं आप इसकी वैलिड नहीं है पासपोर्ट देखो, दुनिया भी घूम रहा है, कहीं भी हम जा रहे हैं पासपोर्ट से, पासपोर्ट नहीं लगा आप नहीं जा सकते, पासपोर्ट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, पासपोर्ट को नहीं मान रहे हैं तो किसको मानिएगा? जमीन का प्रूफ हम कहाँ से लेके आए? मेरे फादर डेथ कर गए, चले गए, तो हम कहाँ से लेके आएंगे पेपर बताओ? इस पेपर नहीं लाएंगे तो आप निकाल दोगे आप? इसमें जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये सब सारा स्टूडेंट के लिए ही नहीं है, सबके लिए, और खास कर टारगेट मुसलमान को बनाया गया। देखिए जैसा कि हम मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा है, तो मेन क्या है कि उसका कोई ठंडा नहीं है, अमित शाह या मोदी, उसे सरकार समझ नहीं रहा है, सरकार नहीं समझ रहा है कि कैसे क्या करना नहीं करना, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो हम लोग का जो मोटिवेशन कर दिया है आदमी का सिर्फ जो है, मतलब तो वो काम नहीं कर रहा है, सत्ता में आया सेकंड टाइम आया तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग जाहिर से उससे पूछेंगे, ऐज करेंगे, भाई मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, तो वो क्या है, हम लोग को डाइवर्ट कर रहा है सिर्फ, और कोई पॉलिटिक्स नहीं उसका, बस डाइवर्ट करने का संकट है, कुछ नहीं कर रहा है, और उसे होगा भी नहीं आगे, वो ऐसे ही करते करते वो 5 साल निकालेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग इस कैब और NRC के कितने प्रोटेस्ट में हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार जो कैब और NRC लॉन्च हुआ है उसको वापस ले सके, जो फंडामेंटल बिल्स का वॉयलेशन हुआ है वो चीज़ वापस से ठीक हो सके।